24 फरवरी को यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद से इंडिया को चांस मिला लो कॉस्ट में एक मैसिव स्केल पर रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने का इस वक्त रशिया की यूक्रेन पर इनवेजन की वजह से इन पर काफी सेंशन लग गई थी फॉर एग्जाम्पल नंबर वन रशिया सेंट्रल बैंक एसेट फ्रोजन रशिया के सेंट्रल बैंक के एसेट फ्रोज हो गए थे नंबर टू सेवन रशियन बैंक कट ऑफ फ्रॉम द स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम रशिया के सात बड़े बैंकों को कट ऑफ कर दिया गया स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से नंबर थ्री फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स जिसका मकसद पुटिन और इसके सर्कल के अंदर बिजनेसमैन और MPS की एसेट को फ्रोज करना और इन पर ब्रिटेन और ईयू में इंटर होने पर बैन लगाना नंबर फोर जर्मनी कैंसल नॉर्थ स्ट्रीम प्रोजेक्ट स्ट्रीम प्रोजेक्ट जिसकी वजह से जर्मनी अपनी एनर्जी की जरूरतिया पूरी करता था नंबर फाइव एक्सपोर्ट ऑफ रशियन कार्बन रशिया के सेमी को ई ब्रिटेन या, या यू में इम्पोर्ट करना और ऐसे इक्विपमेंट और पार्ट जो एवियो इंडस्ट्री या एयरक्राफ्ट में यूज होते हैं रशिया से खरीदने पर आरोप लगा दिया गया एयर एंड मेरी टाइम रिस्ट्रिक्शन इट मीन के समुद्री और हवाई रास्ते इस्तेमाल करने पर पाबंदी लेकिन इन सेंशन के बावजूद इंडिया एक ऐसा देश था चाइना के बाद जिसने वेस्ट की इन सेंशन को मारने से इनकार कर दिया इंडिया को मौका मिला रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदने का और इस ऑयल को दूसरे ईयू कंट्रीज को इम्पोर्ट करने का वेस्ट की तरफ से इतने बड़े सेंशन की रुकावटों के बावजूद रशिया से आने वाले क्रूड और कैरोसिन ऑयल को रूसी नहीं बल्कि इंडियन ऑयल समझने लगा इस तरह इंडियन बिजनेसमैन ने यूक्रेन पर हमला करने के बाद सेंक्शन लगाने वाले कंट्रीज में रशिया का ऑयल फाइनली ईयू और अमरीका तक पहुँचा एक मोस्ट प्रोफिटेबल बिजनेस बना दिया लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है लेकिन इस ट्विस्ट को बताने ऐसी पहले हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं ऑन एटीन अप्रैल नाइनटीन जब जिम्बाब्वे ने यूके से आजादी हासिल कर ली इस वक्त ऑफिशियल एक्सचेंज रेट में जिम्बाब्वे डॉलर की वैल्यू अमेरिका के डॉलर से ज्यादा थी लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस देश ने तरक्की नहीं की और साल आता है टू थाउजेंड एट का जिसमे इसके ऊपर और दूसरे मॉनिटरिंग फंड एजेंसी के लोन का पहाड़ चढ़ जाता है और जिम्बाबे के सेंट्रल रिजर्व बैंक के पास डॉलर जीरो के बराबर हो जाते हैं और इन सब की वजह से कंट्री में इन्फ्लेशन रेट वन सेवेंटी फाइव परसेंट तक पहुँच जाती है इन शॉर्ट इस देश की करेंसी इतनी गिर गई की अगर आपको बाजार ऐसी चिकन खरीदने जाना है तो आपको पैसे बोल में भरकर ट्रिलियन ऑफ डॉलर पे करने पड़ेंगे पैसे की वैल्यू इतनी गिर गई थी कि अगर आपको रास्ते में ट्रिलियन ऑफ जिम्बावियन डॉलर भी मिल जाए तो इससे आप कुछ खास फायदा नहीं उठा सकते आई I मीन mean, के जिम्बाब्वे के पास ट्रिलियन ऑफ डॉलर होने के बावजूद भी वो पैसा किसी काम का नहीं था लेकिन यहाँ पर बात चल रही है इंडिया की रशिया के साथ ऑयल ट्रेड के बारे में हाल ही में इंडिया ने रशिया के साथ यूएस डॉलर के बजाय इंडियन रूपीज में ट्रेड करना शुरू की लेकिन क्या इंडिया को इसका कोई बेनिफिट हुआ तो जी हाँ पहले तो रशिया समझ रहा था कि अगर दुनिया के दो ग्लोबल आयल इम्पोर्टर्स के साथ इनकी करेंसी में ट्रेड किया जाए तो रशिया वेस्ट सेंक्शन के इफेक्ट से बच सकता है लेकिन ये प्लान उल्टा इनके गले पड़ गया चाइना की करेंसी युआन तो हर देश में एक्सेप्टेड है लेकिन इसके मुकाबले में इंडियन रूपीज की इतनी वैल्यू नहीं है तो रशिया के लिए इंडियन रुपीज की एग्जाम्पल एक, एक जिम्बाबे डॉलर की तरह हो गई इनके पास मिलियन ऑफ इंडियन करेंसी तो थी लेकिन बदकिस्मती से वो इनको यूज ही नहीं कर सकते थे एक्चुअली विद इन टू इन इंडिया रशिया से आइल और वेपन्स की मद में 41 बिलियन रुपीज का एक्सपोर्ट किया है लेकिन अब रशियंस को यह बात सता रही है कि अगर इंडिया हमको इन चीजों की पेमेंट भी करे तो वो इंडियन रुपीज में करेगा और रुपीज की वैल्यू ना होने की वजह से रशियन को ये डर है की ये पैसा हम कहा यूज करेंगे इसलिए रशिया ने इंडिया के सामने यू का ऑप्शन सामने रख दिया अगर इंडिया बड़े अमाउंट में चाइना के यू आन परचेज करता है तो शायद वो रशिया के साथ अपने डील को कंटिन्यू कर सकता है अगर ऐसा नहीं तो इन्हें पुराना तरीका अपना कर यू एस डॉलर खरीद के मिडिल ईस्ट के देशों से क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करना होगा इस सिनेरियो में इंडिया के पास फ्यूचर में ब्रिक्स करेंसी का ऑप्शन भी हो सकता है लेकिन बदकिस्मती से ब्रिक्स करेंसी अभी तक लॉन्च नहीं हुई अब आगे देखते हैं कि इंडिया इस प्रॉब्लम का सोलूशन कैसे निकालता है थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो